देश में ओमिक्रॉन वेरिएंट के वाधे प्रभाव को देखते हुए 10 राज्यों ने क्रिसमस और नए साल तो पहले ही पाबंदियों का ऐलान कर दिया है। सख्ती बढ़ते हुए मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और गुजरात आदि राज्यों ने रात का कर्फ्यू भी लगा दिया है, जबकि दिल्ली, महाराष्ट्र, कर्नाटक और उड़ीसा में क्रिसमस और न्यू ईयर सैलीब्रेशन पर रोक लगा दी गई है। उधर तेलंगाना के एक पिंड ने ओमिक्रॉन के वाधे प्रभाव को देखते हुए खुद ही 10 दिनों का लॉकडाउन लगा दिया है। ध्यान रहे कि मध्य प्रदेश तो बाद हुण उत्तर प्रदेश में भी भलके तो रात का कर्फ्यू लगा दिया गया है। राज्य में वधदे ओमिक्रॉन के प्रभाव को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का यह फैसला 25 दिसंबर रात 11 बजे तो लागू हो जाएगा। इन हुक्मों के तहत नवी गाइडलाइनस भी जारी की गई हैं। गाइडलाइनस के अनुसार विवाह समागम च वध तो वध 200 व्यक्ति शामिल हो सकते हैं और रात 11 बजे तो लैके सवेर के 5 बजे तक कर्फ्यू जारी रहेगा। इन नवे हुक्मों तो बाद क्रिसमस और न्यू ईयर सैलीब्रेशन दी तैयारियां नूं झटका लग गया है। 4 महीने पहला ही कोरोना के मामले घटने तो बाद यूपी विचों रात का कर्फ्यू हटाया गया सी। यूपी विच इस समय कोरोना के 236 एक्टिव मामले हैं, जबकि 2 मामले ओमिक्रॉन के भी सामने आ चुके हैं। देश में 24 घंटे दौरान ओमिक्रॉन के मामलों में वाधा दर्ज किया गया है, जिसके नाल ही हुण ओमिक्रॉन तो पीड़ित व्यक्तियों की गिनती 360 तो पार हो चुकी है, जबकि 114 व्यक्ति ओमिक्रॉन नूं मात दे के बिल्कुल तंदुरुस्त हो चुके हैं और देश में हुण तक ओमिक्रॉन वेरिएंट नाल एक व्यक्ति की जान भी जा चुकी है। Please subscribe Pravasi TV and press the bell icon.